जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी में चुनाव सर पे आ गए हैं, आप माने या ना माने माहौल तो कुछ यही बोल रहा है। हालांकि अगर हम 2022 की बात करें तो अभी भी 2022 को आने में 6 से 7 महीने बचे हुए हैं और चुनाव में तो उससे भी 1-2 महीने ऊपर ही मान लीजिए। लेकिन फिर भी जिस तरह से सियासी उठापटक जो कि अभी चुनाव के पहले ही मतलब 7-8 महीने पहले ही यूपी में शुरू हो गई है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव जो है वो बिल्कुल सर पर आ गए हैं। ऐसे में जितने भी विपक्षी दल हैं, जाहिर सी बात है उनके बीच में सुगबुगाहट तो शुरू हो ही जाएगी कि भैया किस तरीके से आखिर योगी के राज को टैकल करना है। क्योंकि योगी राज जब से शुरू हुआ है तब से लोगों में एक अलग तरह की प्रवृत्ति देखने के लिए मिल रही है। हालांकि अगर हम पिछले 3 चुनावों की बात करें तो पिछले 3 चुनावों में 3 अलग अलग सरकारें यूपी में देखने के लिए मिली। सबसे पहले मायावती, उसके बाद अखिलेश यादव और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। तो इस तरीके से 2022 में यूपी की जनता किसे चुनती है ये तो जनता ही बता पाएगी। लेकिन बात अभी की करें तो अभी चुनावी उठापटक जो है वो बहुत तेज़ हो गई है। सबसे पहले बात करें हम अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव तो कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा झल्लाए हुए दिख ही रहे थे। दरअसल जिस तरीके से जो चुनाव हुए थे जिला पंचायत वाले और उसमें जिस तरीके उनको करारी हार मिली थी, बल्कि यूं कहें कि लड़ने के पहले ही हथियार डाल दिए, उससे अखिलेश यादव बहुत झल्लाए हुए थे और करीब करीब 11 जिलाध्यक्षों को उन्होंने पदमुक्त भी कर दिया। अब जाहिर सी बात है चुनाव आपके सामने सर पर खड़े हुए और ऐसे में आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक प्रकार का अविश्वास पैदा होता है। लेकिन बात वही है ना कि डरता क्या ना करता। अब डर है तो भाई कुछ भी करेंगे, क्योंकि अपने आप की तृष्णा को तो शांत करना ही है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, अखिलेश यादव के अलावा मायावती भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यूपी के चुनाव में। अभी तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि यूपी में चुनाव मायावती और ओवैसी मिलकर लड़ेंगे, लेकिन मायावती ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी के भी साथ गठबंधन में चुनाव वो नहीं लड़ने वाली हैं। तो इससे एक बात ये क्लियर हो गई कि भाई ओवैसी जो है वो मायावती के साथ तो चुनाव नहीं लड़ रहा। इसके साथ ही कांग्रेस को लेकर कोई भी बड़ी बात अभी तक सामने नहीं आई थी जिससे कि ये क्लियर हो सके कि भाई आखिर कांग्रेस किसके साथ लड़ने वाली है। हालांकि अखिलेश यादव के साथ पिछली बार हाथ मिलाया था राहुल गांधी ने, लेकिन उसका कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिला था। बल्कि लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर अखिलेश ने राहुल गांधी से हाथ ना मिलाया होता तो शायद वो एक बार फिर भी टक्कर दे सकते थे। अब आखिरी में बारी आती है ओवैसी की। ओवैसी ने बंगाल में काफ़ी हद तक भाजपा का गणित बिगाड़ दिया, लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी में वो गणित किसका बिगाड़ेंगे। यूपी में मुसलमान वोट बैंक जो है वो काफ़ी बड़ा वोट बैंक है और अखिलेश यादव को वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी दिखता है। लेकिन अगर ओवैसी ने अब ये जो ऐलान किया है कि भाई वो 100 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इससे जो वोट बैंक कटना है वो सबसे बड़ा हिस्सा होगा उसमें अखिलेश का। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने 2 ट्वीट भी किए और उन्होंने 3 बड़ी घोषणाएं करी। उन्होंने कहा कि हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिए। दूसरी, हम ओपी राजभर साहब भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। और तीसरी, हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। अब भविष्य में अगर कोई बात हो जाए तो वो बात की बात है, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति में ओवैसी साहब यहाँ पर चुनाव अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर वोट बैंक किसका कटना है ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ओवैसी की इस घोषणा के बाद से एक बात तो तय है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके ऊपर असर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे आज़म खान, जी हाँ थे, क्योंकि अभी वो बंद हैं। अब जाहिर सी बात है आज़म खान अपने साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक लेकर चला करते थे जो कि था मुसलमान वोट बैंक का। उनका भरोसा था आज़म खान के साथ, लेकिन जब आज़म खान के ऊपर कार्रवाई हुई तो समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं बोला, जिससे कि मुसलमानों के अंदर एक थोड़ा सा गुस्सा है कि भाई हमारे लीडर को लेकर आपने कुछ बोला नहीं। तो ऐसे में अगर ओवैसी जी यहाँ पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है जो मुस्लिम वोटर का ध्यान है वो बहुत हद तक डगमगाएगा और अखिलेश यादव को इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आने वाले समय में अखिलेश यादव अगर ओवैसी साहब से हाथ मिला लें, क्योंकि चुनाव में हमने देखा है और राजनीति में हमने ये समझा है कि लोग कुछ भी कर जाते हैं, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, जिस पार्टी ने चुनाव भाजपा के साथ लड़ा चुनाव जीतते ही उसने रंग बदल ली और बाकी की पार्टियों से हाथ मिला ली। तो इसमें चुनाव में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, राजनीति के अपने ही रंग होते हैं। आपका इस मामले में क्या सोचना है, आपको क्या लगता है कि इस बार विपक्ष किस प्रकार का खड़ा होगा योगी आदित्यनाथ और भाजपा के सामने, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ अपने ही चेहरे के साथ ये चुनाव लड़ने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मोदी जी का योगदान बहुत मिनिमम देखने के लिए मिलेगा। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। जय हिंद, जय भारत।